हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो। बीडीओ रामहाल, बीडीओ रामहाल, बीएलडब्ल्यू रामहाल, जीआरएस रामहाल, अकाउंटेंट राम। नारे तकबीर। ब्लॉक ग्राम के सरपंचों और पंचों ने बीडीओ कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि तैनात बीडीओ अपमानजनक व्यवहार करता है और उनके और अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है। प्रदर्शन कर रहे सरपंच पंचों के साथ स्थानीय बीडीसी सदस्य भी मौजूद रहे। अफसर आए, मैंने एज ए बीडीसी कोशिश की है इसको समझाने की। इसने हमारे सरपंच साहिबान को गालियां दी, उनको धमकाया, उनकी बिंड ने आज यहाँ बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। जेके यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट पंचायतों के लिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बदकिस्मती की वजह से ये जो वीडियो साहब आए हैं, जो हमारे सेक्रेटरी पंचायत हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं, हल्कों में नहीं जाते हैं। समझाने की कोशिश की है कि आपस में हमें सलाह रहे ताकि ये जो है हमारा ब्लॉक ये ठीक चले। तो जब आज बार बार इसने झगड़ा ही किया, फितना ही किया, लोगों को सताया, मेरे पंचों सरपंचों को हर मामले में मदाखल करता है, अंडू मदाखल, आज हम मजबूर हो गए अपने पंचों सरपंच साहिबान को यहाँ जमा करने के लिए कि अगर ये मसला आपकी माध्यम से वहाँ तक ACD साहब, DC साहब तक पहुँचे, डायरेक्टर साहब तक पहुँचे तो इसका हल निकाला जाए, अगर नहीं तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। वी विल गो ऑन इंशाल्लाह हंगर स्ट्राइक। मैंने एक नहीं, दो बार बात, चार बार बात की है कि ये वहाँ से बोलता है आप ही माफ़ी मांग दो, गलती इसने की, ये बोलता है आप ही माफ़ी मांग दो। मैंने बोला ये सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये जो हमारी पंचायत है इसमें 15 सरपंच, 120 वार्ड मेंबरान हजरात हैं, ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप मुझे कहिए अगर कोई अफसर आपका भी है, कोई WLW साहब है, सामने लाइए, अगर इन्होंने कोई गलती की है मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा। वीडियो आते हैं जाते हैं, ये मतलब जो है बिल्डिंग बनती हैं, बढ़ते हैं, बंड बनता है, लेकिन मेरे बच्चे का कैरियर कहाँ जाएगा? और इसे कैसे जरूरत की कि वो जाके उनको हरास किया और लात मार के उसे तोड़ दिया? ये एक पार्ट है इसका। दूसरा था कल इसने सारे मुलाजिमों को लाया और वहां पर धरना पर बैठ गया। हाँ तो ये है कि एक VLWO सेक्रेटरी अपने पंचायत में था, उसको वहां जाकर यहां लाया, लात मारी उसके दरवाजे को, उसको तो मजबूर किया उन्होंने, यहां पर तुम ये रखो। ये सब बातें हम उनको कुरान रखेंगे इसके मुलाजिमों को। क्या ये भी कोई किसी ऑफिसर का ऐसा वतीरा होता है? गवर्नमेंट चाहती है कि काम हो जाए, ये काम रुकवाता है। ये कौन होते हैं बीडीओ साहब कि ये सरपंच या ग्राम सभा ने जो लिस्ट PMAY का मुरतब किया है या हमने जो लिखा है मतलब प्रेफरेंस दी है, हमने सरपंच का उस पर दस्तखत है, उस पर पंचायत सेक्रेटरी का दस्तखत है, वहां ये कौन होता है चेंज करने वाला? ये चेंज करता है पैसों के लिए, पैसे मांगता है। इस मतलबा सिर्फ बस एक रहा कि ये यहाँ और इसके सारा स्टाफ यहाँ से तब्दील हो जाए, हमें नया स्टाफ। अगर ट्रांसफर नहीं हो तो अगला लाइमल क्या आपका होगा? हमारा है जो बीडी साहब ने कहा वही होगा उसके साथ। मुझे आप बोलिए, मुझे परसों जो ये रफीक सरपंच बोल रहे थे कि रिश्वत इधर ली जाती है, रफीक सरपंच वाइसा का सरपंच है, ये परसों मुझे एक बिल लेकर आते हैं। बिल में हमने ये फॉर्म रखा है कि बिल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब तक ना होंगे तब तक हम किसी बिल पर साइन नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, बिल एक गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट है। बिल और सरपंच का क्या लेना देना है? सरपंच कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं है, बिल एक गवर्नमेंट का कागज है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी है। तो बिल होनी चाहिए या तो VLW के पास या GRS के पास या फिर होनी चाहिए किसी असिस्टेंट के पास। तो सबसे पहले रफीक साहब के खिलाफ हम एक FIR करेंगे कि बिल उनके पास कैसे थी। सबसे पहले जो ही वो बशीर वानी है वो मेरे पास आया था कि सर मेरी ऐसे ऐसे बिल फाड़ दी गई है ताहिर से, तो मैंने नीजर्क रिएक्शन में ताहिर को सबसे पहले अटैच कर दिया ऑफिस में और मैंने ACD साहब को एक दी एप्लीकेशन कि ऐसे ऐसे हुआ है इधर, तो ACD साहब ने उनको अटैच किया है कादराबाद ब्लॉक का, ठीक है सर। तो उसमें कंप्लेंट ये आई है कि BDO साहब ने नहीं ताहिर ने 5000 रुपए लिए BDO साहब के नाम पर। ये है बशीरवानी की रिकॉर्डिंग, ये है बशीरवानी की रिकॉर्डिंग जो ACD साहब के साथ मेरे साथ है। इसमें बशीरवानी खुद बोलता है कि BDO साहब ने 1 रुपया नहीं लिया है, ताहिर डिमांड करता था, उसका मेरे साथ क्या है?
मैंने उसके लिए आ गया कि नहीं चढ़ाओ मुझे या तो साइन करो। ये तो प्रेशर टैक्टिक्स है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को आप प्रेशर कर रहे हो कि साइन कर दो। एक इनका नहीं किया, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट थी। मैं आपको दिखाता हूँ वो साइन मैंने फिर कब किया। वो साइन फिर तब किया जब बीडीसी साहब वही बिल लेकर मेरे रूम पर आ गए, वो फिर फोटोग्राफ लेकर आ गए मेरे रूम पर, तब वो साइन किया। बीडीसी साहब कल यहाँ 16th को यहाँ आते हैं, 16th को बीडीसी साहब यहाँ आते हैं। आते ही आते ही वो कुछ नहीं सुनते हैं कि वीडियो को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। वो ये इल्जाम है, सबूत दीजिए मैंने ताला तोड़ा, लाइए ताला किधर है, सबूत दीजिए, खुद ने ताला तोड़ा। आपका मानना है कि वो इलीगल यहां पे है? मैंने प्रिंसिपल साहब को मैंने इससे पहले भी वर्बली 50 ऑर्डर बोले, ये ऑर्डर है प्रिंसिपल के नाम पर कि मुझे आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए कि आप किस ऑर्डर के तहत हमारी बिल्डिंग्स ऑक्यूपाई करके हैं। ये मेरे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स है, ये पंचायती हो सकती है लेकिन पंचायत का पेरेंट डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट है, ये रूरल डेवलपमेंट की बिल्डिंग्स है। ये प्रिंसिपल के नाम हमने ऑर्डर दिया है कि हमें बोलिए आप किस ऑर्डर से है। प्रिंसिपल साहब हमें शो ही नहीं करते ऑर्डर, मैं क्या करूं, प्रिंसिपल साहब हमें शो ही नहीं करते ऑर्डर, इसका मतलब ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, इलीगल ऑक्यूपेशन है। इसलिए मैंने एक रिपोर्ट अभी मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने एसएसपी साहब को लिखी है, एसीआर साहब को लिखी है, तहसीलदार साहब को लिखी है कि हमें बोलिए प्रिंसिपल किस बिना पर इधर है, तो ये इलीगल ऑक्यूपेशन है। उसके बाद प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि मुझे इधर स्टूडेंट्स के लिए कमरे कम है, बोल रहे उन्होंने एक वेल फर्निश्ड आप देखिए होटल जैसी इधर बिल्डिंग है अपने रहने के लिए लगाई है। देखिए आप अंदर जाकर पैनलिंग की है उस बिल्डिंग में, हमने सारी फैसिलिटीज हमारी है। प्रिंसिपल साहब हाँ ऐश अयाशी करने बैठते हैं और मैं अपना एचआरए लेकर 5,000 रुपये पर इधर छोटे से कमरे में रहता हूँ तारकपुरा में, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, और अपना पेट्रोल जलाकर हर दिन आता हूँ। प्रिंसिपल साहब ने यहाँ अपने हेल्पर्स रखे हैं। आप किसी भी मेरे एम्प्लॉय को पूछे कि वीडियो साहब ने इधर अपने साथ एक भी हेल्पर रखा है, मैंने कोई नहीं रखा है, मैं सब कुछ पे करके करता हूँ क्योंकि मुझे सरकार एचआरए देती है। प्रिंसिपल साहब को एचआरए मिलता है, प्रिंसिपल साहब इधर बैठे हुए हैं, एचआरए फ्रॉड कर रहे हैं ये प्रिंसिपल साहब, ये है मसला। अगर कुछ चढ़ा है बाहर वहां पे प्रोटेस्ट हुआ आपके खिलाफ, क्या ये आप पे जो इल्जाम लगा रहे क्या ये सरासर गलत है? मैंने आपको पॉइंट वाइज एक एक का आंसर दिया पॉइंट वाइज का, लेकिन अब मुझे लगता था शायद ये कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं तो अब नहीं करने वाले, तो मैं ये रिपोर्ट लेकर अभी डीसी साहब के पास जाऊंगा अभी, और डायरेक्टर साहब के पास ये रिपोर्ट लेकर जाऊंगा, और मैं ये सारे वीडियोज पहले आपको शेयर करूंगा, और मैं ये अब खुद अपने एंड से एलजी की ग्रीवेंस सेल में डाल दूंगा। तो बस इतना मैं